आपका क्वेश्चन है, इन द फिगर एक्स एन इज पैरेलल टू सी ए एंड एक्स एम इज पैरेलल टू बी ए, टी इज अ पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसने क्या दिया है, पहले उसको देखो ध्यान से। तो यहां पर दिया है एक्स एम इज पैरेलल टू सी बी, इसको मार्क करना है। तो एक्स एम, एक्स एन इज दिस वन, तो ये हमने मार्क किया, दैट इज इक्वल टू सी ए, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एक्स एम, एक्स टू एम इज पैरेलल टू बी ए, बी ए इज दिस, तो ये आपका और ये पैरेलल है। अब देखो क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, पहले उसको ध्यान देना है। तो यहां पर दिया है टी एक्स स्क्वायर, तो टी एक्स कहां पर है, तो टी एक्स इज दिस वन, यहां से यहां तक, ठीक है ना। अब देखो ये वाला साइन कहां पर है, कौन कौन से ट्रायंगल्स में आपका लाई कर रहा है, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है आपके, दिस इज पैरेलल, दैट मीन्स ये वाला भी आपका पैरेलल हो गया, ये छोटा वाला साइड भी है ना, और इधर और ये दो पैरेलल हो गया। तो अब आपको ट्रायंगल इसके अंदर लेना है, ओनली दिस, यहां से यहां तक, ये वाला आपको रिक्वायर्ड नहीं है अभी। आप देखो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले सिंगल पैरेलल लाइंस का ट्रायंगल देखो, दोनों पैरेलल है, तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, टी एम सी, तो ट्रायंगल टी एम सी बाय बीपीटी आपका दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों आपके सिमिलर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको लिखना है ट्रायंगल टी एम एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी एम सी, और बीपीटी वाले में जब सिमिलर है तो क्या होगा, करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो विल कम आउट, तो वही आपको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, तो हम लिखेंगे टी एक्स बाई टी सी, टी एक्स बाई टी सी इज इक्वल टू, यहां पर देखो टी एन बाई टी एम, टी एन बाई टी एम, ठीक है, एक हो गया ना। अब ये दो पैरेलल लाइंस का देखो, वो कौन सा ट्रायंगल है आपका, टी एम एक्स, तो ट्रायंगल इज टी एम एक्स। दो ट्रायंगल्स कौन कौन से है उसके अंदर, आपका है टी एन बी, ट्रायंगल टी एन बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी एम एक्स, तो इसमें भी आपको सेम लिखना है। तो देखो क्या है आपका, टी बी बाई टी एक्स, टी बी बाई टी एक्स इज इक्वल टू टी एन बाई एन एम, सॉरी टी एन बाई टी एम, टी एन बाई टी एम, ठीक है। तो हो गए, अब ये दोनों को देखो सेम, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो इसको आप वन ले लो, इसको टू ले लो, तो बाई वन एंड टू आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो सेम आपको लिखना है यहां पर, टी एक्स बाई टी सी इज इक्वल टू टी बी बाई टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आएगा, टी एक्स इंटू टी एक्स इज इक्वल टू टी सी इंटू टी बी,
तो tx into tx is tx square is equal to TB.TC. Hence proved. तो इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है.